हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेक्वेरी के हाइड एंड शो इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज गाइस बेसिकली मैं आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, जो हमारे लास्ट वीडियो में यूज भी हुआ था कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है जेक्वेरी का, उसके बारे में आज पूरी डिटेल्स बताऊंगा। गाइस, इस तरीके से पूरा जेक्वेरी हम कवर अप करने वाले हैं। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेक्वेरी के हाइड एंड शो एंड टॉगल इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको जेक्वेरी का जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सभी इफेक्ट्स में यूज होगा, मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, उसका बेसिकली बेनिफिट क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाइस, आज हमारी जेक्वेरी की 5th नंबर क्लास है तो पेज को सेव एज कर लेते हैं। सबसे पहले 5th.html सेम लोकेशन में ही करूंगा, जेक्वेरी में 5th.html बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। एड एड क्लोज टाइटल टाइटल क्लोज। गाइस बेसिकली आज मैं आपको कॉल बैक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, तो टाइटल में मेंशन कर देता हूँ जेक्वेरी कॉल बैक फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका बहुत इंपॉर्टेंस यूज होता है, तो मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है इसमें, जिससे आपको कॉल बैक का एक्चुअली फंडामेंटल समझ में आ जाए कि कॉल बैक हम क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या हमारे एक प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है वो किस तरीके से शोट कर देता है कॉल बैक, तो उसके बारे में बताऊंगा आज पूरा। तो बेसिकली बॉडी स्टार्ट करें, तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि जब हम कॉल बैक अगर नहीं यूज करते हैं तो जेक्वेरी के जो इफेक्ट्स होते हैं वो 1 by 1 आपके कॉल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कई बार कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि पहले आपके लग गए सीक्वेंस के साथ, पहले आपके इफेक्ट आ गए और जो हमारे पहले आने थे वो बाद में आए हैं, जिससे सीक्वेंस खराब हो जाता है और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेक्वेरी का कौन सा इफेक्ट पहले लगा है कौन सा बाद में आया है, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से इफेक्ट नहीं चला होता। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ, फिर ये वाली प्रॉब्लम गाइस जो सीक्वेंस नहीं चल रही है उसको आपका कॉल बैक फंक्शन किस तरीके से सही करता है वो चीज हम एक बार करके देखेंगे, जिससे कॉल बैक का एक्चुअल में यूज आपको समझ में आ जाएगा कि कॉल बैक कैसे काम कर रहा है। तो गाइस कॉल बैक बेसिकली आपके एक तरीके से इवेंट्स को सीक्वेंसली चलाने के लिए यूज करते हैं। पहले हम विदाउट कॉल बैक एक बार बनाकर देखते हैं, एक स्क्रिप्ट लगाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अभी तक क्या हो रहा था कॉल बैक के बिना। जैसे स्क्रिप्ट लगाई और इसके अंदर मैं आपका इवेंट लगा लेता हूँ। गाइस हमें जेक्वेरी का एक लगाना पड़ेगा लिंक, तो वो लगा लेता हूँ मैं लास्ट वीडियो से फाइल से उसको खोल के। ये गाइस मैंने जेक्वेरी का लिंक लगा दिया क्योंकि इसके बिना हमारा चलेगा नहीं जेक्वेरी, तो इसलिए उसको लगाना मैंडेटरी है। देन डॉलर, अब हम अपना सिंटैक्स लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन फंक्शन ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट देन आपका कर्ली ब्रैकेट ऑफ। इस तरीके से गाइस पहले आपको एक तरीके से रेडी इवेंट लिख लेना है, देन अब आपको जो भी आपको काम करना है वो हम करेंगे। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले अगर आपको एचटीएमएल लगाना है या कुछ भी आपको परफॉर्म करना है तो आप वो एचटीएमएल लिख सकते हैं। लाइक मैंने पी लिया, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, लाइक सिंपल ये लिख दिया और एक बटन बना लेते हैं जिसको हम अपने इवेंट को कॉल करेंगे, आईडी दे दी सेव देन बटन बंद कर दिया। तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा और एक बटन लिखा एचटीएमएल में जो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तो मेरा डॉलर बटन का जो भी नाम दिया है मैंने, आईडी भी है बेसिकली सेव डॉट, आपका जो भी आपको क्लिक लगाना है डबल क्लिक लगाना है वो आप लिखेंगे फंक्शन। अब गाइस इसके अंदर आपका जो भी हाइट करना है मुझे, लाइक हाइट शो टॉगल जो भी आपको करना हो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था वो हम यहाँ लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको हाइट लगा के दिखा रहा हूँ कि हाइट किया, पैरामीटर डालना है।
आपका स्पीड तो डाल सकते थे बट कॉल बैक भी डाल सकते हैं। अब मैंने गाइस एक तरीके से हाइड कर दिया है। अब मैं आपको बेसिकली इसमें जो करने वाली है, एक अलर्ट लगा दिया। जैसे अलर्ट में लिखा दिस इज बेसिक जेक्वेरी कंसेप्ट, लाइक इतना मैंने एक ऐसा लिख दिया। तो गाइस इसमें क्या होना चाहिए हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जब मैं बटन प्रेस करूंगा सिंगल क्लिक, तो सबसे पहले मेरा पी हाइड होना चाहिए, देन मेरा अलर्ट आना चाहिए, होना ये चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए। बट गाइस ऐसा होगा नहीं, जब मैं इसको चलाऊंगा तो सबसे पहले अलर्ट कॉल हो जाएगा और उसके बाद वो पैराग्राफ हाइड होगा बटन दबाने में, मीन्स उल्टा काम हो जाएगा एक तरीके से, जिससे सीक्वेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं और फिर हम इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे बेसिकली कॉल बैक से करेंगे। तो एक बार इस पेज को रन करके देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर पेज है। तो गाइस इस तरीके से मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो बटन को प्रेस किया तो पहले वो हाइड नहीं हुआ, पहले हमारा पॉपअप आ गया, दिस इज बेसिक जेक्वेरी कंसेप्ट। अब मैं इसको ओके करूंगा तब मेरा वो हाइड होगा, मींस सीक्वेंस गाइस आपका डिस्टर्ब हो गया इसके अंदर, कि पहले आपका हाइड होना चाहिए था देन ही पॉपअप आना चाहिए था, बट पहले आपका पॉपअप आ गया और फिर वो आपका बटन दबाने पे वो आपका हाइड हो रहा है, एक तरीके से पॉपअप के बाद हो रहा है। तो गाइस एक तरीके से सीक्वेंस सही नहीं चला है, ये बेसिकली विदाउट कॉल बैक एग्जांपल था। अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं एज ए कॉल बैक के लिए, तो कैसे कन्वर्ट इसको करेंगे, कैसे हम इसको हाइड के अंदर स्पीड एंड कॉल बैक को हम डालते हैं, तो वो आप मैं आपको दोबारा से एक बार लगा के दिखाऊंगा। और इस अलर्ट को हम एक कॉल बैक के थ्रू पास कर देंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, बेसिकली वो कॉल बैक है, एक बार इसको लगा के देखते हैं। चलिए कॉल बैक के साथ बनाने के लिए बेसिकली आपका स्क्रिप्ट टैग तो लिया, मैंने यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ जिससे मैं उस पर अलग करके दिखा पाऊँ आपको। इनपुट टाइप सबमिट और आईडी में डिफरेंट कर देता हूँ, लाइक मैंने सेव वन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे लिखेंगे जैसे अभी तक लिख रहे थे, बटन का नाम डालेंगे पहले, जो भी आईडी है हमारी, सेव वन, क्लिक पर फंक्शन परफॉर्म होगा इस तरीके से। यहाँ पर गाइस अब मैं जो भी मुझे हाइड करना है वो मैं लिखूंगा, हाइड शो जो भी आपको करना हो वो आप लिख सकते हैं। देन पी डाला हाइड, हाइड में गाइस अब मैं जो पास करूंगा वो एज ए पैरामीटर पास करूंगा, क्योंकि मैं कॉल बैक भी डालूंगा अभी इसके अंदर। कॉल बैक कैसे लगाना है वो चीज मेन है, कि फंक्शन लिखना है, देन फंक्शन का ब्रैकेट कर ले ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर आपको अलर्ट जो भी आपको डालना है, अलर्ट आप सेम डाल सकते हो, दिस इज कॉल बैक फंक्शन, जस्ट मैंने एक ऐसे एक अलर्ट मैसेज डाल दिया है। यहाँ पर गाइस इसका ब्रैकेट बंद करना है कर्ली ब्रैकेट का, और ये आपका एक तरीके से आपका हाइट का ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है किस किस तरीके से चल रहे हैं। ये वाला जो हुआ मेरा बेसिकली आपका हाइट का बंद हो गया इतना, और ये जो बंद हुआ है मेरा क्लिक का हुआ है, और फाइनली जो बंद है वो हमारा रेडी इवेंट का है, ठीक है। तो हमने बेसिकली पहले क्या किया था, पहले हमने हाइट के अंदर हमने एज ए पैरामीटर अलर्ट को नहीं डाला था, उस आपका अलग किया था, जिससे एक वजह से पहले अलर्ट कॉल हो गया था और आपका हाइट बाद में हुआ था, सीक्वेंस मिस्टेक हो गई थी उसमें। बट इसमें क्या किया, अब हमने अलर्ट को एज ए पैरामीटर में पास कर दिया, जैसे ये लिखा है, ये हमारा बेसिकली गाइस कॉल बैक है, कि मींस पहले आपका हाइट होगा 5 सेकंड के अंदर, देन वो आपका मैसेज आएगा अलर्ट के अंदर। एक बार गाइस इसको चेक करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। रिफ्रेश किया मैंने और अभी मैं सबमिट बटन को दबा रहा हूँ, तो देखिए इसको हाइड करने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, देन उसके बाद आपका अलर्ट कॉल होगा, जैसे हाइड हो गया देन वो अलर्ट कॉल हुआ था। और उससे पहले वाले में क्या हो रहा था, जो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, कि जैसे मैंने क्लिक किया था तो आपका हाइड नहीं हुआ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एज इट इज लिखा हुआ है, तो पहले अलर्ट आ गया था, तो ये एक मिस्टेक हो रही थी। तो कॉल बैक बेसिकली गाइस इस चीज को हमारा करेक्ट कर रहा है, कि पहले हमारा प्रॉपर हाइड करेगा देन वो आपका अलर्ट कॉल कर रहा है, मीन्स सिक्वेंसली जेक्वेरी को चला रहा है, ये बेसिकली हमारा कॉल बैक का काम है। कैसे पास हुआ मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, कि आपका जो पैरामीटर जो हमारा फंक्शन था इफेक्ट था हाइट का, पैरामीटर तो डलेगा डलेगा, क्योंकि जो कॉल बैक होता है वो सेकंड पैरामीटर होता है, इसे ध्यान रखना है। तो कॉल बैक हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया दोस्त, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जेक्वेरी का कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो गाइस मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरीके से जेक्वेरी के और भी इफेक्ट्स बताने वाला हूँ। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।